जैसे कि हम जानते हैं गाइस, आज के डेट में डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। अगर किसी केस में आपका मोबाइल खो गया हो या चोरी हो गया हो और आपका जो पर्सनल डेटा है उस मोबाइल में स्टोर है, अब वो जो आपका चोरी हो गया है मोबाइल या खो गया है, वो कुछ कुछ ऐसे लोगों के पास जा सकता है जो लोग आपके उस डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं, गलत हाथों में जा सकता है, आपको नहीं पता वो किन हाथों में जा सकता है। और ऐसे में गाइस आप उस स्मार्टफोन को जो खो गया हो या चोरी हो गया है दूसरे स्मार्टफोन से या कंप्यूटर से रीसेट कर सकते हो और जो आपका डेटा होगा वो इरेज हो जाएगा। यही बताने वाला हूँ वीडियो में कैसे करते हैं अपने खोए हुए मोबाइल को या चोरी हुए मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट और मोबाइल की लोकेशन को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जानते हैं क्या है वो ट्रिक। गाइस आपको अपने जो इस मोबाइल में जो मेरा इस मोबाइल में डेट गूगल अकाउंट है वो मुझे पता होना चाहिए और उसका पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप इरेज कर सकते हो दूसरे स्मार्टफोन से। तो गाइस आप जैसे खो गया है आपका मोबाइल, आपको करना ये है जल्दी से जल्दी आपने अपने दूसरे स्मार्टफोन लेना है या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, प्ले स्टोर से कर सकते हो या इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। तो चलिए गाइस मैं दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है गूगल पे, चलिए मैं टाइप कर देता हूँ फाइंड माई डिवाइस। आपको टाइप करना है फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस आपको टाइप करना है। ये इसका ऐप आप अपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे आप उससे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस गूगल कि ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दिख जाएगी, आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है और मैं दिखाऊंगा आपको लाइव कैसे इरेज कर सकते हो, कैसे रीसेट कर सकते हो आप अपने फ़ोन को कहीं से भी। तो गाइस काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो हमारा मोबाइल किसी ऐसे अननोन पर्सन के हाथ में चला जाता है जिससे हमारा डेटा का मिसयूज़ किया जा सकता है। तो गाइस आपको यहां पर वो ईमेल आईडी डालनी है जो इस मोबाइल पर है इस टाइम, ठीक है, जो हमारा गूगल अकाउंट इस मोबाइल पर है ना, तो आपको वही ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी। चलिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस मैंने ये अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने वो अकाउंट लॉगिन कर लिया है जो इस मोबाइल पर है, तो आपको इस मोबाइल पर वो अकाउंट लॉगिन कर लेना है जो इस अकाउंट पर है। सो गाइस मैंने यहाँ पर अपना ये अकाउंट को लॉगिन कर लिया है जो मेरे इस सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम पर था। आपको वही अकाउंट इस मोबाइल पर जिसको रीसेट करना चाहते हो ना, तो आपको वही ईमेल आईडी और यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो लॉगिन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर इस तरीके का कुछ यूज़र इंटरफेस दिखेगा इसका फाइंड माई डिवाइस का। यहाँ पर आप प्ले साउंड पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये रिंग होने लगेगा, रिंग कर सकते हो आप इसको। तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योर डिवाइस पे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर रिकवरी मैसेज लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ प्लीज़ रिटर्न माई फ़ोन प्लीज़। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल दोगे, ठीक है, जो सा भी है जिससे कि वो आपको कॉन्टेक्ट कर सके जिसको भी मिले। तो यहाँ सिक्योर डिवाइस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो मोबाइल होगा हमारा ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इस तरीके से रिटर्न माई फ़ोन प्लीज़। तो इस पे ये मैसेज आ गया लिख के लॉक्ड बाई फाइंड माई डिवाइस, यहाँ से ये लॉक्ड हो गया है, ठीक है। तो ऐसे स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा अगर आप इससे कोई लिखते हो तो। यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लिख दे गए अपना जिससे कि वो जिसको आपको मोबाइल मिले वो आपको कॉन्टेक्ट कर सके और आपका मोबाइल रिटर्न कर सके। तो पहले तो आप अपील ऐसे कर सकते हो अगर होता है, अदरवाइज नहीं मिलता तो आप अपने डेटा को पहले यहाँ से रीसेट कर सकते हो। सो गाइस अपने मोबाइल की लॉस्ट मोबाइल की लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए आप यहां से इसको इस तरीके से मोबाइल की लोकेशंस को देख सकते हो। यहां से जो ये इस तरीके से जो लोकेशन है हम यहां इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहां पर जो है इस टाइम हमारा ये मोबाइल है इस लोकेशन पे, तो इस लोकेशन से हम ऐसे ट्रैक कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल की लोकेशन और डेटा ऑन है। अदरवाइज गाइस अब आती है बात रीसेट करने की, कैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हो कहीं से भी।
अगर आपको मोबाइल नहीं मिलता तो गाइज आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नहीं चाहते कि मेरा डेटा किसी के हाथ लगे, तो ऐसे में आपका आपको अपने मोबाइल को रीसेट करने में ही भलाई है। आपको अपने रीसेट मोबाइल को तुरंत ही रीसेट कर देना चाहिए फाइंड माई डिवाइस से। तो रीसेट करने के लिए आपको करना ये होगा गाइज, रीसेट करने के लिए पहले आप इसको रिडोर पर क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप मोड पर इसको कर लीजिए। गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे इरेज डिवाइस का, यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इरेज डिवाइस, नाउ आप यहाँ पर क्लिक करके इरेज डिवाइस, यहाँ पर हम पासवर्ड को एक बार कंफर्म करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर एक ये दे रहा है परमानेंटली इरेज सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime, तो आप यहाँ ये मैसेज पढ़ सकते हो गाइज, यहाँ पर हमको ये परमानेंटली इरेज कर देगा हमारा सैमसंग गैलेक्सी J7 Prime को, यहाँ इरेज पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप को लागू कर देगा। तो गाइज आप देख सकते हो हमारा जो डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली रीसेट होना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो इरेजिंग। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये फाइंड माई डिवाइस। अगर आपका मोबाइल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका डेटा है, आपके मोबाइल से ज़्यादा आपके डेटा की वहाँ पर कीमत है, आज की डेट में हमें पता कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, तो आपको नहीं पता वो किस हाथों में गया है, आपका मोबाइल गलत हाथों में गया है, या कुछ लोग होते हैं कि वापस कर देते हैं वह स्मार्टफोन को, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो वापस नहीं करते और हमारा डेटा होता है इसमें मिसयूज़ किया जा सकता है उसका। तो ऐसे में आपको सबसे बढ़िया फीचर्स ये गूगल की तरफ से मिलता है, आप अपने डिवाइस दुनिया में से कहीं से भी इसको इरेज कर सकते हो। सो गाइस आप इसका एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, टाइप करना है फाइंड माई डिवाइस, तो यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। 2.2 MB का है, 100 मिलियन प्लस इसका डाउनलोड है, यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो आप और आपको सब कुछ वही सेटिंग इसमें देखने को मिल जाती है। इसको ओपन करोगे यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड एंटर कर लेंगे। सो गाइस एप्लीकेशंस में आपको इस तरीके को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको वही ऑप्शंस प्ले साउंड सिक्योर डिवाइस इरेज डिवाइस का ऑप्शंस आपको इसमें भी मिल जाएगा। तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्टली आप इसकी वेबसाइट से जाके भी इसको इरेज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपने डिवाइस को इस तरीके से। तो चलिए गाइस मैं इसको दिखाता हूँ, ये मेरा मोबाइल यहाँ रीसेट हो गया है आप देख सकते हो। तो वो इस मोबाइल को यूज़ करना चाहेगा तो गाइस उसको अपना गूगल अकाउंट से इस मोबाइल को यूज़ करना होगा, देख सकते हो गाइस जो आपका अकाउंट था वो यहाँ से इरेज हो गया है। यहाँ से उसको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना होगा। सो गाइज देख सकते हो यहाँ पर ये मोबाइल बिल्कुल न्यू सेटअप हो गया है, आपका कोई भी डेटा इसमें नहीं होगा, कोई भी डेटा आपका इसमें नहीं होगा, यहाँ से बिल्कुल जो आपका डेटा है वो सारे एप्लीकेशंस वगैरह सब डिलीट हो जाएंगे, सारा डेटा आपका इसमें से डिलीट हो जाएगा। तो है ना गाइज ये कमाल का फाइंड माई डिवाइस,
गाइज आप इसकी वेबसाइट से या इसका प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल को इरेज कर सकते हो कहीं से भी। जस्ट आपको वो ईमेल आईडी अपना और पासवर्ड याद होना चाहिए जो खोए हुए मोबाइल में आपके है, ठीक है। आपको जस्ट वो ईमेल आईडी और पासवर्ड दूसरे मोबाइल में डाल देना है। फाइंड माई डिवाइस को आपको इसकी वेबसाइट से या प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड करके आपको जस्ट वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है और आप उसको आसानी से इरेज कर सकते हो अपने डेटा को। ऐसे में ये होगा गाइस, जो आपका डेटा है वो इरेज हो जाएगा उस स्मार्टफोन से और आपका डेटा का मिसयूज होने से बच सकता है और आप अपने मोबाइल की लोकेशन की भी ट्रेस कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उसकी लोकेशन और मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, तभी आप उसको ट्रैक कर सकते हो। गाइज अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइज मिलता हूं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।